ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ प्राइसिंग इन रिटेलर स्ट्रैटेजी जिस तरीके से एक रिटेलर के लिए प्रोडक्ट बहुत अहमियत का हामिल है उसकी पैकेजिंग बहुत अहमियत की हामिल है उसकी अवेलेबिलिटी उसकी मरचेंडाइजिंग उसका डिस्प्ले हर चीज़ उसकी आफ्टर सेल सर्विस उसकी सर्विस वो तमाम चीज़ें अहमियत की हामिल हैं उसी तरीके से प्राइसिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है एक रिटेलर के लिए तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने लगे हैं रोल क्या है प्राइसिंग का इन रिटेलर्स स्ट्रेटजी तो एक रिटेलर के लिए इट इज़ क्रूशल पार्ट प्राइसिंग बिकॉज ऑफ द इंटर रिलेशनशिप किस चीज़ों के दरम्यान में बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिटेलर और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेट्स हैं रिटेलर स्ट्रेटजी के क्या उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलाइंट है एज पर इज ओरिजिनल रिटेल ऑब्जेक्टिव्स अगर उसके रिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल हैं कि रिटेलर वॉन्ट्स टू तो अर्न हायर प्रॉफिट्स तो प्राइसिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि रिटेलर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो हायर प्राइस चार्ज करेगा और दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा टर्न ओवर एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि दोनों चीज़ें अलाइन नहीं हैं तो एक रिटेलर को अपनी प्राइस को एडजस्ट करना है अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी को इवेल्यूएट करना है एनालाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है एस पर जो कि उसके रिटेल ऑब्जेक्टिव हैं और अगेन अदर कॉम्पोनेंट्स हैं रिटेल स्ट्रेटजी के हवाले से इसी तरीके से एक अच्छी प्राइसिंग के लिए गुड प्राइसिंग के लिए व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स अ गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सेट करने के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट बी इन एन इंटीग्रेटेड एंड एडेप्टिव मैनर तो जो भी हम डिसीजन लें उसमें इंटीग्रेशन हो प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट के साथ आपकी सर्विसेज के साथ आपके सपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हर हवाले से कीपिंग इन कन्सिड्रेशन ऑल चैनल रिक्वायरमेंट्स कीपिंग इन कन्सिड्रेशन ऑल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स हर बात को हर चीज़ को कंसिड्रेशन में रखते हुए यू हैव टू मेक परचेज डिसीजन यू हैव टू मेक ऑल दिस प्राइसिंग डिसीजन तो नंबर वन इंटीग्रेशन होनी चाहिए इसके दरम्यान और अडेप्टिव मैनर में होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए डेट रिटेलर शुड मेक अ प्राइस जो कि कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो कस्टमर उसके ऊपर बाय ना कर रहा हो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली रिटेलर जो है वो बिजनेस को लूज कर रहा होगा बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लूज कर रहा होगा और एट द एंड ऑफ द डे अपने पैटर्न नेच को ख़राब कर रहा होगा इसी तरीके से प्राइसिंग शुड बी कंसिस्टेंट विद दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बेशक वो ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटेटिव हों बेशक वो ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव हों जो भी रिटेलर्स ने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो उनसे अलाइंड हो प्राइसिंग पॉलिसी प्राइसिंग डिसीजन उससे अलाइंड हो अगर वो होगा तो ऑफकोर्स वो रिटेलर के स्ट्रेटेजिक प्लान को हेल्प करेगा अचीव करने के लिए क्योंकि ओवरऑल तमाम एस्पेक्ट्स को अगर हम इवेल्यूएट करते हैं तो रिटेलर को उन तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स को अचीव करना होगा अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए अपने टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कि उसने सेट किए हैं अपने लिए और ऑफ कोर्स जिसके अंदर कस्टमर भी स्टेक होल्डर है जिसके अंदर सप्लायर भी स्टेक होल्डर है जिसके अंदर वो खुद एज ए रिटेलर भी स्टेक होल्डर है उसके इम्प्लॉयज़ भी स्टेक होल्डर्स हैं उसकी मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर्स हैं और वो तमाम लोग बेशक वो सपोर्ट uh, के स्टाफ हैं बेशक वो ऑपरेटिंग स्टाफ हैं वो तमाम लोग भी इसका हिस्सा हैं सो so, उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द प्राइसिंग डिसीजन शुड बी इन लाइन विद द रिटेलर्स ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से जो प्राइसिंग प्लान है मस्ट बी इंटीग्रेटेड की बात की हमने रिस्पॉन्सिव की बात की एंड प्रोवाइड गुड वैल्यू टू द कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई प्राइस किसी रिटेलर के लिए रिटेलर कोई प्राइस किसी कस्टमर के लिए सेट कर दे और वो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट ना कर रहा हो बिकॉज बिकॉज कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग एट द द द एंड ऑफ ऑफ डे इन कि उसको कोई वैल्यू मिलेगा इज नॉट एक्सपेक्टिंग दस रुपए ही विल विल पे और ही दस रुपए ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली इज एक्सपेक्टिंग दैट ही शुड पे टेन रुपीज एंड इन रिटर्न ही मस्ट गेट एटलीस्ट ट्वेल्व रुपीज वर्थ ऑफ प्रोडक्ट और बेनिफिट आउट ऑफ इट बेशक वो सर्विस uh, के मद में हो बेशक वो आफ्टर सेल सर्विसेज के मद में हो बेशक वो कन्वीनियंस के मद में हो बेशक वो डिलीवरी के मद में हो बेशक वो इंस्टॉलेशन के मद में हो सो so, किसी भी तरीके से हो किसी भी मद में हो किसी भी तरीके से हो उसको ये इंश्योर करना है कि दैट प्राइसिंग शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिटेलर अगर कोई ऐसी प्राइसिंग सेट कर देता है कि जिस प्राइसिंग के ऊपर वो एक बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता है लेकिन इफ़ दैट प्राइसिंग इज़ नॉट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर तो कस्टमर विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट सो जब तक वो प्रोडक्ट्स बिकेंगी नहीं तब तक वो रिटेलर अपना मार्जिन भी नहीं निकाल सकेगा अपना मार्जिन भी अर्न नहीं कर सकेगा उस सारी सिचुएशन में से सो so, रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right प्राइसिंग को सेट करना वो राइट right प्राइसिंग क्या है वो प्राइसिंग जो कि इंटेग्रेटेड हो उसके गोल्स के साथ भी जो कि रिस्पॉन्सिव हो कस्टमर के हवाले से भी और जो कि कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रही हो अगर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होगी सो अल्टीमेटली रिटेलर का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर्स का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा क्योंकि उसको एक वैल्यू फॉर मनी मिल रही होगी वैल्यू प्रोडक्ट मिल रही होगी वो जो प्राइस पे कर रहा है उसके बदले उसको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है और रिटेलर अल्टीमेटली ज़्यादा टर्नओवर लेगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकेगा